से हो तो ये मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट के पास है, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हम लोगों को देखने देना चाहिए और वो देख रहा है और जो भी होगा फैसला सुप्रीम कोर्ट। येचुरी जी ने भी कहा है कि इनके पास आरएसएस था और बीजेपी के पास राम राम छोड़ के दुनिया में कुछ सबसे बड़ा विपक्ष है। अभी अभी आपको पता है तीन राज्यों में लगातार चार राज्यों में चुनाव, ये चुनाव जब आएगा तब इनको राम याद आएगा। अब काम पे तो ये जीत नहीं सकते, राम के नाम के भरोसे ये जीतना चाहते हैं और लोगों को ठगना चाहते हैं। तो जनता जो है होशियार है, जनता सारी चीज़ों को देख रही है कि चार साल से तो इनको राम याद आए नहीं, अब पांचवा साल होने जा रहा है, चुनाव है और बीच में तीन जगह चुनाव चल रहा है तो इनको राम याद आ रहे हैं। देखिए ना तो इनको राम से मतलब है ना तो इनको काम से मतलब, इनको एक ही चीज़ों से मतलब है, बाबा गोवलकर से मतलब है और गोडसे से मतलब है। इनके भगवान गोवलकर ही हैं, इनके भगवान नथुराम गोडसे ही हैं, ये उनका मंदिर बनवाएंगे ये और किसी से इनको लेना देना। इस तरीके से घटना हुई है क्या कहेंगे और फिर से मुजफ्फरपुर में गैंग रेप हुआ है, पूरी तरीके से शर्मसार हो रहा है। ये गैंग रेप बताइए, अब सरकारी जगह पे सरकारी अस्पताल में पुलिस कर्मी द्वारा लगातार एक महिला के साथ रेप किया जा रहा और जनता दल यूनाइटेड के विधायक लगातार रंगदारी मांगते रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे चाहे मुजफ्फरपुर की घटना जो होम शेल्टर का जो बात था, सरकार जो है सबक नहीं सीख रही है, कोई गंभीर नहीं हो रही है। आखिर हमने उस समय भी कहा था कि जब तक सत्ता में ऐसे लोग अपराधी लोग, अभी भी मुजफ्फरपुर के जो अपराधी हैं शेल्टर होम के वो अभी भी मंत्री बने हुए हैं, सत्ता में मौजूद हैं, अगर वो लोग हटेंगे नहीं तो सही से कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कई बार ये लोग दोहराने का काम करेंगे क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनके रहते हुए में ये सारा चीज़ हो रहा है। तो आगे और कितनी जगहों पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा तो हम लोग ऐसे निकम्मी सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। विधायक पे मामला दर्ज हो गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, वो कुछ नहीं होना, विधायक भी फरार मिलेंगे, ठुमके लगाते मिलेंगे लेकिन पुलिस को नजर नहीं आने वाला। जब तक नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस के ऊपर रहेगा और बिहार पुलिस जब तक स्वतंत्र होकर के निष्पक्षता से जांच नहीं करेगी या अपने काम को पूरा नहीं करेगी तब तक ऐसे वारदात लगातार बिहार में होते रहेंगे। और मुख्यमंत्री ये दिखाता है कि पूरी तरीके से अपराधियों के सामने इन्होंने नमनस्तक करने का काम किया है और उप मुख्यमंत्री जी का तो कहना ही क्या, खुद पहले ही हाथ जोड़ करके खड़े हैं। जब भी यात्रा पे वो निकलते हैं तो जनता का जो आक्रोश जो है वो सामने आता है और अब तो जो आक्रोश जो जनता में है वो अपार हो गई, मतलब लोग इतने गुस्से में हैं कि कोई जनहित का कार्य हो ही नहीं रहा, ना बेटियां सुरक्षित हैं, हर ब्लॉक लेवल से लेके हेडक्वार्टर तक चले जाइए आपका करप्शन ही करप्शन है, भ्रष्टाचार है। इस सत्र में दो बड़े भ्रष्टाचार सामने आ गए हैं, दो बड़े घोटाले सामने आ गए हैं, किस बात का सुशासन, किस बात का प्रशासन, किस बात का कानून अपना काम करेगा जब आप घोटालों पे रोक नहीं लगा सकते, घोटाले करने वालों पे आप कार्रवाई नहीं कर सकते, आप अपराध नहीं रोक सकते, आप अपराधी को जेल में नहीं बंद कर सकते, तो किस बात का सुशासन और प्रशासन। तो ऐसे लोगों को तो कम से कम जब स्थिति जब सामने आ गई है तो हमने तो नीतीश कुमार जी को पहले ही कहा कि इनसे अब सत्ता जो है चल नहीं रही है, सरकार नहीं चल रही है, ये केवल और केवल अपने लालच के लिए और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुर्सी से जो प्यार है उसलिए ये लगे हुए हैं मुख्यमंत्री पद पर, नहीं तो इनको जनता से कोई लेना।